छोलने च नहीं होंदा स्वर्ग। हल्के हल्के बर्फ के फाये आप देख रहे हैं, गिरना शुरू हो गए हैं। अब मैं वीरली माता के रास्ते में हूँ तो ये काफी स्नोफॉल पड़ा हुआ है, आगे आपको लेके चल। काफी स्नो पड़ी है यहाँ पे और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इनको बोलते हैं बन, इनका कोयला बनता है, साथ में इनमें फूल लगते हैं लाल रंग के, गर्मियों में की चटनी बनती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है उसका। सामने आप पहाड़ पर देखने वीरी माता का मंदिर है जहाँ तक पहुँचना है। और इस रास्ते में पानी की कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह सरकारी पानी की आईपीएच की पाइपें आ रही हैं जो सप्लाई ऊपर से आ रही। देखिए इस ताजी स्नो में हमसे पहले भी कोई मेहमान जानवर गुजर चुका है, उसके पाँव को निशान। तो इस सामने देख रहे हैं आप वीरी माता का मंदिर जहां हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर के साथ बर्फ ही बर्फ, सामने मंगलू की धार। ये हमारे परमा जी की कोठी, नीचे कंडी ब्रिज, सामने कंडी गांव। धुआं किस तरह निकल रहा है, यानी कि हमारी आवाज भी फ्रीज हो रही है, तापमान काफी कम है लेकिन धूप जो खिली हुई है उसका एक काफी सपोर्ट है। अभी मैं माता के मंदिर में हूँ और यहाँ से आपको नजारा दिखाता हूँ पूरा। ये पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये उखलमुल वाले पहाड़ है, सामने आपको दिखाता हूँ वो जो चार पत्थर जो है बड़े बड़े वो सामने दिख रहे हैं ऊपर, ये चार पत्थर जो है ये इनको बोलते हैं उखलमुल। और अगली बार हमारा निशाना होगा उखलमुल का, चार पत्थरों का। ज़्यादा आवाज़ भी थोड़ी फ्रीज हो रही है। और ये सामने मंगलू की धार बोलते हैं इसको, ये वाली धार जो है इसका नज़ारा पूरा दिखाऊंगा आपको आगे जाके। सामने गढ़ी वाली माता बोलते हैं वो, सामने इस पहाड़ पे कहीं पे उधर भी हम पहुंच नहीं पाए, जाएंगे दिखाएंगे आपको। साथ में पूरा एक कंडी गाँव है नीचे, ये रास्ता जा रहा है नगरी जिया को, साथ में ये गांव थला। नीचे ले चलते हैं आपको, पालमपुर की साइड देखिए आप, वो निकुल खट दिख रही है और ये कंडी वाला ब्रिज, साथ में सौरभन विहार। यहाँ से आप पूरा भव्य नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे सामने देखिए आशापुरी माता का मंदिर आपको दिखा है, देखिए सामने आपको बीड बिलिंग का टेक ऑफ पॉइंट दिखेगा, वो जो पॉइंट दिख रहा है आउट ऑफ फोकस जा रहा है वाला, ये जो है बीड बिलिंग का टेक ऑफ पॉइंट है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। वही कंडवाड़े वाले पहाड़ हैं, जखनी माता के उस तरफ वाले पहाड़। चलिए नहीं ये आ देखो पंजाबी, वो स्वर्ग धरती का स्वर्ग पालमपुर आएगा स्वर्ग, देखो आ देखो।
देखो बैठे गए इस वक्त, देखो बार बार पई है, है ना। अंदर देखो नजारे की सोने नजारे है गए। ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਤੋਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਆਇਆ, ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਓੜ ਮੁੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗ। ਤੋ ਅਬ ਹਮ ਲੋਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, हल्के हल्के बर्फ के फाये आप देख रहे हैं, गिरना शुरू हो गए हैं। शाम का लगभग 3:30 का समय हो गया है। बड़ा अच्छा ट्रैक है, उतना ब्यूटीफुल नज़ारा आपके इस वक्त सामने आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन बर्फ जो है गिरना शुरू होगी तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी। क्या है ये बकरी बकरे को ना, देखते हैं।